गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. इन टुडेज लेक्चर ऑफ वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 2 इन द चैप्टर ऑफ लेथ वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस टर्निंग टेपर टर्निंग ऑपरेशंस. सो व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द लेथ ऑपरेशंस वी हैव डिस्कस वन ऑफ द मेन ऑपरेशन ऑन अ लेथ इज टेपर टर्निंग. सो as far as the definition is concerned, it is basically the process of producing a conical surface of uniform reduction or enlargement in diameter from the cylindrical workpiece. ki starting mein hum ek cylindrical workpiece lete hain, usko hum conical shape mein convert karna cha rahe hain. uska diameter ek end pe small hoga, ek end pe ज़्यादा होगा, ठीक है ना. और यूनिफॉर्मली ये इनलार्जमेंट या रिडक्शन होगी. तो इस तरीके की जॉब को, कॉनिकल जॉब को बनाना, दैट इज़ कॉल्ड टेपर टर्निंग ऑपरेशंस. और ये हमारे पास फाइव मेथड्स हैं लेथ मशीन के ऊपर टेपर टर्निंग करने के. फर्स्ट वन इज़ बाय यूजिंग ए फॉर्म टूल मेथड, कि जितना टेपर बनाना है उस तरह का टूल की शेप बना लें. सेकंड इज बाय स्विवलिंग द कंपाउंड रेस्ट. थर्ड इज बाय ऑफसेटिंग द टेल स्टॉक. फोर्थ वन इज बाय टेपर टर्निंग अटैचमेंट. एंड द फिफ्थ वन इज बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू फीड्स, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस फीड. सो वी विल डिस्कस दीज फाइव डिफरेंट मेथड्स ऑफ टेपर टर्निंग वन बाय वन. Now take the very first method, that is taper turning by form tool. This is very simple method of producing conical shapes from the cylindrical workpiece. इसमें हम क्या करते हैं कि जितनी taper बनानी है job, उतना taper हम tool पे बना लेते हैं. वैसी shape हम tool पे बना लेते हैं कि similar form taper की हम tool पे बना लेते हैं और उस tool को रोटेटिंग जॉब के साथ टच करते हैं. तो ये हमारा टूल है, ठीक है ना. और ये हमारी सिलेंड्रिकल जॉब थी, इसको हमने टेपर बना दिया. स्मॉल एंड पे डायमीटर स्मॉल डी, कैपिटल एंड पे कैपिटल डी, और ये एल लेंथ तक हमने बना दिया टेपर. तो ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है. तो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखिए, सबसे सिंपल मेथड है, फास्ट है, ईजी है, और गुड सरफेस फिनिशिंग प्रोड्यूस होती है. बट इसके डिसएडवांटेज हैं कि हम स्मॉलर लेंथ ऑफ टेपरिंग कैन प्रोड्यूस, कि स्मॉल लेंथ पे ही टेपर प्रोड्यूस किया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द टूल, ठीक है ना. और जब इस तरह से टेपरिंग जॉब बनाते हैं इस मेथड को यूज़ करके फॉर्म टूल को, तो हमारी अनवांटेड नॉइसेस, यानी कि जिसको चैटर बोलते हैं, और वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं. नॉट सूटेबल फॉर लेंथी वर्क पीसीज, लंबी जॉब्स के लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है ना. तो सेकंड मेथड को डिस्कस करेंगे हम, टेपर टर्निंग बाय स्विवलिंग द कंपाउंड रेस्ट. ये हमारे पास सेकंड मेथड है, स्विवलिंग द कंपाउंड रेस्ट मेथड. देखिए, जब टूल के लेथ मशीन पे हम मेन पार्ट्स को डिस्कस कर रहे थे, तब हमारे पास एक सेंटर वाला पार्ट था, कैरेज. तो कैरेज में हमारे पास पांच मेन पार्ट्स थे, सैडल, क्रॉस स्लाइड, थर्ड वन कंपाउंड रेस्ट. तो इस कंपाउंड रेस्ट को यूज़ करते हैं जो कि क्रॉस स्लाइड के ऊपर लगा होता है. तो इसमें ऐसे था कि इसमें हमारे पास बेस में एक स्विवल प्लेट है, प्लेट की तरह, जिसके ऊपर एंगल्स 0 से 360 डिग्री तक एंगल्स एनग्रेविंग करी होती है, ठीक है ना, एंगल्स मार्क किए होते हैं. और इस हैंडल की हेल्प से हम टूल को, इस सिंगल पॉइंट टूल को मूव कर सकते हैं. तो देखिए, ये तो है हमारी जॉब की एक्सिस, और ये है कंपाउंड रेस्ट की एक्सिस बिफोर इट्स स्विवलिंग. अब टेपर हमने मान लिए 2α एंगल प्रोड्यूस करना है. जैसे ये हमने 2α हमारा इस तरीके से था, ठीक है ना, ये कैपिटल डी, ये स्मॉल डी, और ये L, और ये जो एंगल है, दिस इज़ कॉल्ड 2α, ठीक है ना, 2α एंगल. तो इसका हाफ एंगल पे हम
इस कंपाउंड रेस्ट को सेट करते हैं। तो अल्फा की वैल्यू हमारी ये है, टेन अल्फा इज इक्वल टू डी माइनस डी ओवर टू एल, वे डी इज़ द डायमीटर एट द बिग एंड, स्मॉल डी इज़ द डायमीटर एट द स्मॉल डायमीटर एंड एल इज़ द लेंथ ऑफ द टेपरिंग। ठीक है, तो इस तरह से हमने कंपाउंड रेस्ट को हाफ ऑफ द टेपर एंगल दैट इज अल्फा पे सेट कर लिया और इस हैंडल से इस तरह से इसको मूवमेंट देते हैं। तो टूल हमारा इस रास्ते पे मूव करता है, यानी कि टेपर हाफ ऑफ द टेपर एंगल पे। तो इस तरह से हम कंपाउंड रेस्ट की हेल्प से शॉर्ट टेपर्स बना सकते हैं। तो इसका 3D व्यू देख लेते हैं। तो ये हमारे पास 3-डायमेंशनल व्यू है, ठीक है, कंपाउंड रेस्ट की हेल्प से। ये रेड वाला ये हमारे पास ये टूल है और ये हैंडल है इसको मूवमेंट के लिए, और ये कंपाउंड रेस्ट को हमने हाफ ऑफ दी टेपर एंगल पे सेट कर रखा है। तो इस तरह से हमारी जॉब इस ऐसे बन रही है इस पे। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड। देन ये भी हमारी शॉर्ट लेंथ ऑफ टेपर्स प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल टेपर्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई यूजिंग दिस मेथड, और एडिक्वेट सरफेस फिनिश, सरफेस फिनिशिंग बढ़िया आती है। और डिसएडवांटेज की बात करें, देखिए शॉर्ट टेपर्स है तो लॉन्ग जैम्स, लॉन्ग जॉब्स भी हम टेपर प्रोड्यूस नहीं कर सकते। प्रोडक्शन रेट इज लो है क्योंकि टूल को हमें मैनुअल फीड देनी पड़ती है इस हैंडल से। ओके, और लेंथ जो है जॉब की वो कंपाउंड रेस्ट की ट्रैवल पे भी डिपेंड करता है, इसलिए लिमिटेड लेंथ की जॉब्स हम बना सकते हैं। ज़्यादा लंबी जॉब्स पे हम टेपर इस मेथड से प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो अब हम थर्ड मेथड लेते हैं, टेपरिंग बाय टेल स्टॉक सेट ओवर मेथड या ऑफसेट मेथड। तो ये फिगर हमारे पास सामने है, देखिए टेल स्टॉक सेट ओवर मेथड। तो लेथ मशीन के ऊपर हमारे पास दो एंड होते हैं, हेड स्टॉक पर ये लाइव सेंटर और ये डेड सेंटर। पहले डेड सेंटर यहाँ पर था तो हमने इसको अल्फा या एक्स, स्मॉल एक्स भी बोल देते हैं, सेट ओवर एस, इस एंगल के बराबर सेट ओवर कर दिया, यानी कि लेथ की सेंटर लाइन से इसको इतना ऑफसेट कर दिया। ठीक है ना, तो ये हमारी जॉब है, ये वाली ये हमारी जॉब बनी हुई है टेपर से। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल डी, स्मॉल डी, कैपिटल एल, और ये सिंगल पॉइंट टूल जो कि एक लेंथ के अबाउट, स्ट्रेट लाइन के अबाउट ट्रैवल करता है, सिंगल पॉइंट टूल। तो ये जॉब को हमने लाइव सेंटर और डेड सेंटर दोनों सेंटर्स के बीच में होल्ड किया हुआ है, लॉन्ग लेंथ जॉब्स को। ठीक है ना, और ये फेस प्लेट और डॉग कैरियर की हेल्प से हमने जॉब को बिटवीन सेंटर्स होल्ड कर रखा है। और ये मेथड हमारा सबसे पुराना है, ठीक है ना, ओल्डेस्ट एंड मोस्ट कॉमनली यूज मेथड है। इसमें हम लॉन्ग जॉब्स के ऊपर टेपर आसानी से प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट इसकी एक कंडीशन है कि इसमें टेपर जो है ऑफसेट जो करना है टेल स्टैक को, वो हमारी जितनी लेंथ की जॉब है उसके 50th पार्ट, यानी कि 1/50th ऑफ द लेंथ ऑफ द वर्क पीस के बराबर ही हम इससे कम में ऑफसेट कर सकते हैं, अदरवाइज जो है लेथ सेंटर्स हैव पुअर कॉन्टैक्ट। ठीक है ना, अब कितना सेट ओवर करते हैं, तो ये हमारा ये फार्मूला है, दैट इज सेट ओवर इज इक्वल टू डी माइनस डी बाय टू, ठीक है, इज इक्वल टू एल साइन अल्फा। अभी कंप्लीट फार्मूला देखते हैं, ये सेट ओवर दिखाया हुआ है इसमें, तो ये हमारे पास कंप्लीट फार्मूला, दैट इज सेट ओवर इज इक्वल टू डी माइनस डी बाय टू इज इक्वल टू एल इंटू साइन अल्फा, वेयर अल्फा इज द हाफ ऑफ द टेपर एंगल। अगर देखिए जॉब की हमारी कुछ लेंथ पे टेपर प्रोड्यूस करनी है तो ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, दैट इज टेल स्टॉक, टेल स्टॉक ऑफ सेटिंग इज इक्वल टू डी माइनस डी वाई टू मल्टीप्लाइड बाई टोटल लेंथ ऑफ द जॉब डिवाइडेड बाई टेपर लेंथ। कि हमारी मान लीजिए पूरी जॉब की लेंथ पे टेपर ना करके कुछ पोर्शन पे टेपर कर रहे हैं, देन वी आर यूजिंग दिस फार्मूला। ओके, नाउ अब हम इसका 3-डायमेंशनल व्यू देख लेते हैं। तो ये हमारे पास इसका टेल स्टॉक ऑफ सेटिंग का 3-डायमेंशनल व्यू, देखिए लेथ की एक्सिस ये है और ये टेल स्टॉक की ऑफ सेटिंग करी हुई। तो इस तरह से हमारे पास हम लॉन्ग जॉब्स बिटवीन सेंटर्स होल्ड कर इसको ऑफ सेटिंग इसकी टेपर कर सकते हैं। ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड, तो देखिए वी कैन
प्रोड्यूस टेपर ऑन द लॉन्ग जॉब्स, लॉन्गर जॉब्स, स्मॉल टेपर एंगल्स प्रोड्यूस होगा, ऑटोमेटिक फीड कैन बी गिवन, बेटर सरफेस फिनिश. दीज आर द फोर एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड. बट डिसएडवांटेज की बात करें, ओनली स्मॉल टेपर्स होगा प्रोड्यूस. ओके, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो है अनइवन हो जाता है बिटवीन लॉन्ग जो ऑन द लॉन्ग जॉब्स ड्यू टू द होल्ड बिटवीन द टू सेंटर्स. एंड एक्सटर्नल टेपर के लिए इस मेथड को यूज़ करते हैं. एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द वर्क इज़ नॉट कॉन्स्टेंट. सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि स्मॉल टेपर ही प्रोड्यूस कर सकते हैं. ओके, स्मॉल एंगल टेपर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट द एडवांटेज इज दैट वी कैन प्रोड्यूस टेपर ऑन द लॉन्ग जॉब्स. दिस इज द ओनली सुटेबल मेथड फॉर लॉन्ग जॉब्स. नाउ वी टॉक अबाउट द फोर्थ मेथड, दैट इज द टेपरिंग बाय टेपर टर्निंग अटैचमेंट. एज यू कैन सी फ्रॉम द फिगर, देर इज वन स्पेशल अटैचमेंट which the manufacturer supplies along with the machine, that is taper turning attachment. In this there is, and this attachment is fixed at the back side of the lathe. जैसा कि आप figure में दे सकते हैं, इस attachment में एक frame रहेगा जिसको bracket और frame बोलते हैं, और इस फ्रेम के ऊपर एक गाइड बार है. इसके ऊपर स्लॉट कटे होते हैं, ये बीच में स्लॉट कटे हुए हैं, इसके ऊपर एंगल्स मार्क होते हैं, और ये एंगल्स की हेल्प से इस पूरे गाइड बार को हम दोनों साइड पे टिल्ट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली 10 से 18 डिग्री तक. ओके, और ये पूरा अटैचमेंट हमारा एक क्रॉस स्लाइड, ये क्रॉस स्लाइड डी की हेल्प से टूल हमारा माउंटेड होता है क्रॉस स्लाइड पे. ठीक है ना, तो टूल हमारा जो, और ये इसके सेंटर में एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक हमारा इस तरह से इस स्लॉट में ऐसे मूव करता है. जितने एंगल पे इसको सेट करेंगे तो क्रॉस स्लाइड भी उतने एंगल पे मूव करेगी, यानी कि टूल हमारा इतने एंगल पे मूव करेगा. तो ये इसका थ्री डायमेंशनल व्यू देख लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा. तो ये हमारा थ्री डायमेंशनल व्यू ऑफ टेपर टर्निंग अटैचमेंट. देखिए, ये हमारा था, ये पीछे हम देख रहे थे जिसको कि ब्रैकेट. ठीक है, इस ब्रैकेट के ऊपर हमारा ये है गाइड बार, और इसमें स्लॉट कटे हुए हैं, और ये हमारा गाइड ब्लॉक है. ये गाइड ब्लॉक, इस ब्लॉक में ऐसे स्लाइड करता है ये, और ये क्रॉस स्लाइड इसके साथ फिक्स कर देते हैं, और टूल हमारा इसी के हिसाब से एंगल पे मूव करता है. तो बेसिकली हाउ वी आर डूइंग, द जॉब इज़ हेल्ड बिटवीन सेंटर्स. ठीक है ना, जॉब इज़ हेल्ड बिटवीन लाइव सेंटर एंड डेड सेंटर ऑन द टेल स्टॉक एज इन द प्रीवियस मैनर्स, और टूल को हमारा इस टूल की जो मूवमेंट है हमारी इस टेपर टर्निंग अटैचमेंट से गाइड होती है, जितने एंगल पे इस हमारे गाइड बार को सेट कर देंगे. ठीक है, तो गाइड ब्लॉक जैसे ऐसे मूव करेगा, टूल हमारा ऐसे ऐसे मूव करता जाएगा. ठीक है, उतने एंगल पे, और इस तरह से हमारे लॉन्ग जॉब्स पे टेपर प्रोड्यूस कर सकते हैं. नाउ एडवांटेजेस की बात करें, तो एडवांटेज, इफ यू टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ दिस टेपर टर्निंग अटैचमेंट, तो वेरी गुड एडवांटेज इज दैट बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल टेपर्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग दिस मेथड. स्टीप टेपर्स ऑन लॉन्ग जॉब्स मीन्स स्मॉल टेपर एंगल प्रोड्यूस करना है, बट ऑन लॉन्ग जॉब्स इट कैन बी ईजली प्रोड्यूस्ड. बोथ स्ट्रेट एंड टेपर टर्निंग कैन बी डन इन वन सेटिंग. सीधी टर्निंग करनी हो, चाहे सीधी मतलब टर्निंग बिना टेपर के और टेपर, दोनों एक ही सेटिंग में हो जाती हैं. द अटैचमेंट कैन बी सेट क्विकली एंड ईजली, कि इसका सेटिंग टाइम बहुत कम है, मतलब मटेरियल को हैंडलिंग टाइम कम है, तो इससे टाइम बच जाता है. तो हमारा फास्ट प्रोसेस है और एक्यूरेट है. नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ, यानी कि टेपरिंग बाय कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द फील्ड्स. नाउ इन दिस मेथड, ये बेसिकली स्किल्ड ऑपरेटर कर सकता है. इसमें हम क्या करते हैं, जॉब को बिटवीन सेंटर्स होल्ड कर लिया, ये हमारा लाइव सेंटर, ये डेड सेंटर. ओके, और इसमें टेपरिंग ऑपरेशन के लिए बोथ लॉन्गिट्यूडनल, ये लॉन्गिट्यूडनल फीड और ये क्रॉस फीड, दोनों को इकट्ठे मूवमेंट दी जाती है, एंगेज्ड एट ए टाइम साइमल्टेनियसली इकट्ठे, और हमारा टूल जो है कुछ ऐसे मूव करता है, रिजल्टेंट मूवमेंट टूल की हमारी ये रहेगी. ठीक है ना, तो दिस मेथड यूज़ फॉर स्पेशल लेथ मशीन्स पे यूज़ किया जाता है. वेरी गुड सरफेस फिनिशिंग होती है, फास्टर है, बट ए स्किल्ड ऑपरेटर कैन डू दिस. ओके,
तो ये हमारा फार्मूला इसमें दिया हुआ है। देखिए ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल फीड थी एफ एल ये, और क्रॉस फीड थी हमारी एफ सी ये, और रिजल्टेंट जो हमारा मूव किया टूल ने ये एफ, ठीक है ना। तो एफ एल इज इक्वल टू एफ इंटू साइन बीटा माइनस एल्फा बाई साइन बीटा, ये फार्मूला इसमें यूज़ करते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द बेसिक टेपर टर्निंग अटैचमेंट। इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ द सेकेंड एंड थर्ड वन, बाय यूजिंग द कंपाउंड रेस्ट मेथड एंड बाय टेल स्टॉक सेट ओवर मेथड, ये हमारे कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। थैंक यू, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।